नेपाल को लेकर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो नेपाल को सबसे अलग बनाता है और शायद इन्हीं सब बातों पर नेपाल वालों को गर्व है। तो गाइस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करना। फैक्ट नंबर 9, गोरखा आर्मी। गोरखा आर्मी नेपाल देश का एक पहचान माना जाता है। माना जाता है कि इनके हाथ में खोखरी, जिसे आप तलवार भी कह सकते हो, वो अगर आप इनके हाथों में रख देते हो, कोई भी वॉर को संभालने की शक्ति रखता है। इस आर्मी को कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने के लिए जाना जाता है। इन आर्मियों का एक ही कहना है, कायरता से मौत बेहतर होता है। फैक्ट नंबर 8, आपने यकी का नाम कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, जो कि बड़ा सा गोरिल्ला यानी कि दानव जैसा लगता है। कुछ लोगों के इस पे विश्वास नहीं है, जो कि साइंटिफिक तौर पे भी नहीं पाया जाता है, लेकिन माना जाता है कि हिमालय के जंगलों में एक कई बार देखा गया है, जो कि वहाँ के जो पहाड़ी निवासी होते हैं वो कभी कभी इसको देखने का दावा करते हैं। फैक्ट नंबर 7, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेपाल देश माउंट क्लाइंबिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन आप शायद गलत हो, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए और भी बहुत सारे प्लेसेज हैं, जिनमें से बहुत सारे मठ मंदिर हैं जहाँ पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था और सीता माँ का। जिनमें से एक मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ टेम्पल। यहाँ पर एक धार्मिक मान्यता है, क्योंकि इस मंदिर में आप एक बार दर्शन कर लोगे तो अगले जन्म में आपको पशु में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा मान्यता है। फैक्ट नंबर 6, यहाँ पर दाल और चावल रोज सुबह शाम खाया जाने वाला डिश है। साथ में यहाँ पर कई प्रकार के डिशेज भी खाया जाता है, उनमें से मोमोज, नूडल्स और भी बहुत सारे टेस्टी डिशेज यहाँ पर पाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार मोमोज जो है ना, वो सबसे पहले नेपाल में ही बनाया गया था, ऐसा अनुमान किया गया है। फैक्ट नंबर 5, नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम आज तक नहीं बना है, और इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है। माना जाता है कि कई सारे देश ने इसको जीतना तो चाहा, लेकिन जीत नहीं पाया, क्योंकि इस देश के जो बनावटी क्षेत्र है, बड़े बड़े पहाड़, इस कारण से इस देश को कोई भी जीत नहीं पाया है आज। फैक्ट नंबर 4, नेपाल को एशिया का अमेजोन भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक किस्म के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और बहुत सारे जानवर भी पाया जाता है। उनमें से 870 प्रकार की तो पंछियां ही यहाँ पर पाया जाता है, और क्या आपको पता है कि 650 प्रकार की तितलियां भी नेपाल में पाया जाता है, और क्या ये बात आपको पता था? अगर पता था कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 3, नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पानी होने वाला देश है। नेपाल अगर चाहे तो दुनिया का बहुत सारे देशों का बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन इस देश का आर्थिक अवस्था है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर माना जाता है, जिनमें से यहाँ पर ज्यादातर पावर प्लांट नहीं है, लेकिन ये अपने देश के लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और भी देश को ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट नंबर 2, नेपाल देश का फ्लैग ऐसा फ्लैग है जो कि ट्रायंगल शेप का, जो कि दो ट्रायंगल मिलके इसे बनाया गया, जो कि बेहद अट्रैक्टिव भी लगता है। इसमें एक ट्रायंगल में चांद और दूसरे ट्रायंगल में सूरज को ऐड किया गया है, जो कि दूसरे देश के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा यूनिक फ्लैग नेपाल देश के फ्लैग को माना जाता है। लास्ट में फैक्ट देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक लाइक और सब्सक्राइब की तो बातें कर दो दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, अब आते हैं नेपाल देश की मेन पॉइंट पे, जो कि इसका माउंट एवरेस्ट है। ये दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि इस देश की आन बान और शान है। और एक और बात, दुनिया के 10 माउंटेन में से, यानी कि टॉप 10 माउंटेन में से 8 माउंटेन नेपाल में ही पाया जाता है। इनमें से आता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोदेश्य, मकालू और चोहयू, धौलागिरी, मनसालू और अन्नपूर्णा भी है। टॉप 8 माउंटेन है जो कि नेपाल में ही पाया जाता है। शायद यही सब है जो कि नेपाल वालों की शान है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जोर करके जाना दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।